अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां 8,000 रुपए के लेन देन पर दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी मंतोष उर्फ ब्रिजेश जा को पिंटो पार्क स्थित घर आते समय रास्ते में ही पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस पड़ताल में पता चल रहा है कि हत्या का कारण 8,000 रुपए की उधारी थी, जो मृतक वापस नहीं कर रहा था, तो आरोपी दोस्त ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी। गोला का मंदिर थाने के एडिशनल एसपी राजेश दंदोतिया ने बताया कि पिंटो पार्क शिव कॉलोनी निवासी विकास यादव निगम कर्मचारी था और उसकी दोस्ती मंतोष उर्फ ब्रिजेश झा से थी। 2 दिन पहले कॉल कर मंतोष ने विकास को घर के बाहर बुलाया और गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन वह फरार हो गया। गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर आने वाला है। इसका पता चलते ही पुलिस टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाया और पिंटो पार्क पर जैसे ही आरोपी पहुंचा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। आरोपी के फरार होने के बाद से ही पुलिस की 2 टीमें मुरैना सहित आसपास के जिलों में आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और आरोपी को एक जगह रुकने का मौका नहीं मिल पा रहा था और इसी के चलते वह वापस आया और आते ही पुलिस ने दबोच लिया। तहत एक घटना हुई थी जिसमें कि एक दोस्त ने अपने मित्र को ही गोली मार दी थी और उसके बाद वो फरार हो गया था और जो इसमें FIR रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। इसमें घटना कारण अप्रत्यक्ष रूप से बात सामने आई थी कि 8,500 का कोई लेन देन का विवाद था और उसके बाद फिर लगातार CSP मुरार और TI गोली के मंदिर के द्वारा लगातार आरोपियों की पतरासी के लिए टीमें भेजी गई, लगातार कार्रवाई करते हुए कल उसको रात्रि में उसको पकड़ लिया। पिंटो पार्क से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से जो वेपन इस्तेमाल किया गया था वो वेपन भी बरामद कर लिया गया है।